नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रा ई क्लासेस में। और हमारे प्रोनाउन के लास्ट सेक्शन में, मतलब हम पहुंच गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आपका जो प्रोनाउन का सब टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम पॉइंट से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं कहूँगी तो मैं मोस्टली कह देती हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट सब है, पर उसमें जब मैं हाईलाइट करती हूँ तो वो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस पर फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं। मतलब आपका ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा कि उस पर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए ना आए, आएंगे ही आएंगे। अगर वो एरर में नहीं आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट में डाल दिया जाएगा, या कहीं ना कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाल दिया जाएगा। तो वो सेंटेंस आपके पेपर में रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है अगर वो प्रोनाउन का एरर ना दें तो हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट में उसको डाल दें, पर उनका यूज़ आपका हमेशा रहेगा। तो वैसे भी अगर आप जनरली देखो तो रिलेटिव्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। रिलेटिव्स खुश हों तो हमें खुश चाहिए, अगर खुश ना हो तो भी हम दुखी होते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है, और जब खुश होते हैं तो हम उनको और खुश करना चाहते हैं। तो रिलेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में भी होते हैं, और सिमिलरली जो आपका प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन ये कर रहा है रिलेशन, क्या है क्या कर रहा है, रिलेशन करता है इसको, इसलिए कई बार कनेक्टिव कंजंक्शन की तरह काम करता है। कंजंक्शन प्रोनाउन बोल देते हैं, कनेक्टिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दो फ्रेजेस को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं, हु होगा, हुम हुआ, विच, हुज, दैट, ये क्या है आपके, आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। पर ये आपके WH फैमिली भी हैं, हमने इसको WH फैमिली में भी पढ़ा था। तो इन्हीं से हम शुरू करेंगे कि कैसे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कब तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और कब ये क्या बन जाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इनके साथ क्या होता है, साथ में क्वेश्चन मार्क भी होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब कहोगे कि इंटेरोगेटिव में हम WH फैमिली थे तो वो सारे क्या प्रोनाउन होते हैं, जी नहीं। प्रोनाउन कब, जब ये सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हों, तब हम उनको क्या करेंगे, प्रोनाउन की को प्रोनाउन बोलेंगे, अदरवाइज को हम प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। देखो एग्जाम्पल लिखो, देखो ये हमने एक सेपरेट, हमने जब शुरू किया था हमारा चैनल शुरू किया था तब स्टार्टिंग में हु, हुज और हुम का डिफरेंस बताया था, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी थी। क्या था, सबसे पहले समझो हु, हुज, हुम। अभी तो ये हमने केस किया भी था, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और ये आपका पोजेसिव केस है। ये क्या है आपका, पोजेसिव केस है। तो हु हमेशा किसकी जगह पे आता है, सब्जेक्ट की तरह, किसकी जगह आता है, सब्जेक्ट की तरह। हुम हमेशा आता है ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब जब आप हुम से आंसर करोगे तो वो आंसर ऑब्जेक्ट में जाएगा, और हुज क्या होगा, पोजेसिव की जगह आता है। किसी के पोजेशन को दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, हुज को लेते हैं। अगर मैं लिखूं हु टॉट मी, जनरली जब हमने रूल पढ़ते तो क्या होता है, जब पहले WH फैमिली होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। अब इसमें कुछ गायब है, क्या गायब है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट गायब हैं, क्योंकि अगर मेन वर्ब के बाद कुछ आ रहा है तो वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ पे हु ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। हु ही क्या है, WH फैमिली भी है, हु ही क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम हु ही कर रहा है। तो जब हमने सब्जेक्ट ही इसको बना दिया है तब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की डायरेक्ट, अदरवाइज हु ना होता तो अगर इसके अलावा कुछ और होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, मान लो What have you seen there? What helping verb, फिर उसके बाद subject, subject के बाद verb की
थर्ड फॉर्म, ये आपका पैटर्न होता है। पर अब यहाँ पे क्या है, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गायब है। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हु। अगर आप इसका रिप्लाई भी करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा हु टोट मी, हु टोट मी, मुझे कौन पढ़ाता है। अगर मैं लिखूँ मनीषा टोट मी, मुझे किसने पढ़ाया है, मनीषा ने पढ़ाया है, तो क्या लिखेंगे, मनीषा टोट मी। तो हु का रिप्लाई किसके अंदर आया है, सब्जेक्ट के अंदर आया है, किसके अंदर आया है, सब्जेक्ट के अंदर आया है। इसीलिए हु किसकी जगह रिप्लेस देता है, हमेशा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ साथ किसका काम भी कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट क्या आ रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हु ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं यहाँ हु किसकी तरह काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, सवाल भी पूछ रहा है, इंटेरोगेट भी कर रहा है, और साथ के साथ सब्जेक्ट भी कौन है, यही। अब पता कैसे चलेगा सब्जेक्ट यही है, क्योंकि इसके आंसर में हम जो आंसर देंगे वो किसकी जगह आएगा, इसका आंसर सब्जेक्ट आएगा, हु टोट मी, मनीषा टोट मी, मुझे किसने पढ़ाया, मनीषा ने पढ़ाया, तो इसका आंसर हमेशा किसकी ओर आएगा, सब्जेक्ट की ओर आएगा। अब हुम Whom क्या है, Whom does she meet? अब मैंने कहा Whom हमेशा ऑब्जेक्टिव सेंस में आएगा, Whom does she meet? अब Whom है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, मीट भी है, पर उसमें साथ क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इस आंसर को, अगर मैं आपसे पूछूं Whom does she meet, वो किससे मिलती है, तो हम क्या लिखेंगे, She meets राम, वो किससे मिलती है, राम से मिलती है। तो whom का रिप्लाई किसके अंदर आया है, ऑब्जेक्ट के अंदर आया है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, whom है, क्योंकि whom को, whom किसको रिप्लेस करेगा जाके, ऑब्जेक्ट की जगह। इसका रिप्लाई कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्टिव केस की जरूरत होगी तो हम हमेशा who लगाएंगे, जब हमें सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हम क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे, क्या लगाएंगे, whom। क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे, she meets राम, she meets राम। तो यहाँ पे whom का रिप्लाई किसके अंदर आया है, राम के अंदर आया है, इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, whom does she meet क्या आएगा, she meets राम, क्योंकि इसका आंसर किसके अंदर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। तो ठीक है, अब whom हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही आंसर देगा, सब्जेक्ट के रूप में आंसर नहीं देगा। जब who की सब्जेक्ट की जरूरत है तो उसकी जगह काम कौन करेगा, who करेगा। अब अगर हम whose करें, अब अगर हम whose करें तो क्या आंसर होगा आपका, whose books are these, ये किसकी किताबें हैं, whose books are these। अब मैं क्या कहूंगी, these are Ram's books, these are Ram's books, तो ये राम की किताबें हैं। तो whose का रिप्लाई किसके अंदर जाएगा, पोजेसिव में, क्योंकि हम किसका पोजेसिव, किसी भी नाउन का पोजेसिव कैसे बनाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस के साथ। अगर मैं कहूँ उसकी है तो लिखूंगी दीज आर हिज बुक्स, क्या लिखूंगी, दीज आर हिज बुक्स। तो इसका रिप्लाई किस में आ रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। अब कहोगे whose के बाद बुक्स क्यों लगाया, क्योंकि whose पोजेसिव केस में तो है,
हुज क्या है? पोजेसिव केस है, और पोजेसिव केस एडजेक्टिव केस के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन आती है, तो वो नाउन के साथ लिखी हुई है. हुज बुक्स आर दिस? दीज आर राम्स बुक. तो हुज का रिप्लाई किसके अंदर आता है? राम्स का. तो यहाँ पे हुज किसकी तरह काम कर रहा है? पोजेस मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का कौन सा हिस्सा? पोजेसिव केस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, तो ये तो आपकी क्या होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जहाँ ये क्या है? सब्जेक्ट की तरह है. जैसे हु टॉट यू, हु टॉट यू, तो वहाँ पे हु क्या था? सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गई. होम डिड यू मेट, तो वहाँ पे होम डिड यू मीट, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? होम क्या है आपका? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. हुज बुक्स आर दिस, यहाँ पे हुज क्या है आपका? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब वो इंटेरोगेट तो कर ही रहे हैं, पर क्या है? सब किसी के सब्जेक्टिव केस में, किसी के ऑब्जेक्टिव केस में, और किसी के पोजेसिव केस में उनका यूज हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाती है. पर अब यहाँ पे साथ में क्या है? क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पे क्या है साथ में? क्वेश्चन मार्क है. तो ये हमें क्या बता रहा है? ये चीजें क्या है? इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जहां क्वेश्चन मार्क आता है, पर यही हु, विच बुक लिखते हैं, तो विच बुक अगर आपका सब्जेक्ट में इंटेरोगेट की तरह यूज हो रहा है, तो वहां पे वो क्या है आपका? उसकी उसकी किसकी तरह यूज हो रहा है? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की. हु हुज, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो मतलब जहां ये क्या पूछे जा रहे हैं आपके, ये अगर पूछ रहे हैं आपका इंटेरोगेशन की तरह यूज हो रहे हैं, तब इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम रीडिंग, आई एम डूइंग दिस, तो उसका रिप्लाई किस में जा रहा है? कि हम ये एक्शन हम कर रहे हैं. ठीक है, अब ये व्हाट और व्हाई, व्हाट ये हम बहुत अभी आगे पढ़े भी गए कि सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाते हैं. पर हु हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, हु हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, हु हमेशा पोजेसिव रहेगा, इसलिए क्या है ये सेपरेट है. और क्योंकि ये क्या है, एक हु का ही सब, हु सब्जेक्टिव केस है, हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हुम है, और हु का ही पोजेसिव केस क्या है? हुज है. इसलिए ये तीनों क्या है? कॉम्बिनेशन में पढ़े जाते हैं. और अब रिलेटिव का मतलब जो क्या करें, कनेक्ट करें. रिलेटिव का मतलब ये हु यूज तो हो रहा है, पर क्या है? इंटेरोगेशन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? कनेक्ट करना है. दिस इज द मैन हु कम हेयर लास्ट वीक, ये वही पर्सन है जो यहाँ आया था लास्ट वीक. ये वही पर्सन है जो यहाँ आया था लास्ट वीक. तो मतलब यहाँ पे मैन हु क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है किसको? द मैन, ये आदमी कौन है जो यहाँ आया था लास्ट वीक, जो लास्ट वीक यहाँ पर्सन आया था, ये वही पर्सन है. तो ये क्या कर रहा है? इस मैन को इस एक्शन के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. इनका क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है कि ये वो मैन कौन है जो, ये मैन वो मैन है जो यहाँ आया था लास्ट वीक. तो मतलब भूख, मतलब यहाँ पे हम इंटरोगेटिव नहीं लगाएंगे. कई बार सेंटेंस में ये भी एरर आता है. क्या एरर आ जाता है कि इसमें हमें क्या दे देते हैं, ये पंक्चुएशन का एरर दे देते हैं कि इसके अंदर हमें लगा के दे देंगे वो आपको क्वेश्चन मार्क, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हु इंटेरोगेटिव नहीं है. यहाँ पे हु क्या है? इंटेरोगेटिवली यूज नहीं हो रहा है. यहाँ पे हु यूज हो रहा है कैसे? रिलेटिव. यहाँ पे हु किसकी तरह कर यूज हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन की, क्योंकि जो कनेक्ट कर रहा है, कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है मैन को उसके एक्शन के साथ. क्योंकि कम हेयर आया कौन था? मैन. कौन सा मैन? उसको ही कनेक्ट किया है किसने? हु ने कनेक्ट किया है. तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपका किस तरीके से यूज हो रहा है. दिस इज द मैन हुम यू मेट
देयर। अभी ये कैसे हु आएगा, कहाँ हुम आएगा, इसको हम डिटेल में साथ साथ पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। इसको पहले आप हु को समझो, हुम को समझो, हुज को समझो, फिर हम सेपरेटली हु कब आता है, हुम कब आता है, हुज कब आता है, व्हाट कब आता है, व्हाट एवर कब आता है, व्हाट सो एवर कब आता है, हुम सो एवर कब आता है, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। तो दिस इज द मैन हुम यू मेट। देखो अब हु कम हेयर, कम हेयर के पास क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। इसका सब्जेक्ट कौन था, मैन था। इसको इसीलिए सब्जेक्ट, इस सेंटेंस को किसकी जरूरत थी, सब्जेक्ट की जरूरत थी, तो हमने क्या यूज किया, हु। अब दिस इज द मैन हुम यू मेट देयर, यू मेट हुम, तुम किससे मिले थे, तो ये मैन इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन यूज की है, हुम यूज की है। तो ये किस, ये रिलेटिव किसकी सेंस में होता है, ऑब्जेक्टिव सेंस में, हु किसकी सेंस में होता है, सब्जेक्टिव, मतलब जो आगे आने वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए तो हम हु लगाएंगे, अगर आगे आने वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या है चीजें ध्यान रखनी कि कहाँ हु कहाँ, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ठीक है, अब दो आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन है दो तरीके से यूज होती है, एक तो होती है रिस्ट्रिक्टिव वे से, एक होती है कॉन्टिन्यूटी वे से। हम रिलेटिव प्रोनाउन्स का यूज दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं रिस्ट्रिक्टिव, ये सिर्फ नॉलेज के लिए जान लो क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका यूज आपको पता होना चाहिए। एक किसके यूज में होता है, कॉन्टिन्यूशन में, कॉन्टिन्यूटिव, इसको अगले में लिखते हैं, रिस्ट्रिक्टिव समझते हैं फिर हम लिखते हैं कॉन्टिन्यूटिव को लिखते हैं। पहला यूज तो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव मतलब जो रिस्ट्रिक्ट करे किसको, सब्जेक्ट को, एंटीसीडेंट को। जैसे मैंने लिखा ना द मैन हु कम हेयर, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, मैन। अब ये क्योंकि हु से पहले आ रहा है इसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो होता है, जो उसके आगे आने वाले का सब्जेक्ट बनता है, तो उस पहले आने वाले को जो एंटी है, जो उससे पहले है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो जब हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्टिव यूज में, तब हु क्या करता है, सब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, द मैन हु लिव्ड देयर Died yesterday. The man who lived there died yesterday. अब यहाँ पे who का use क्या है, restrictive है, who का use क्या है, restrictive है, मतलब अब ये सेंटेंस क्या है कि द मैन डाइड, मेन सेंटेंस क्या है, द मैन डाइड yesterday, कि मैन कल मर गया था, पर कौन सा आदमी मरा था उसका हमें पता कैसे चलेगा, अगर ये मैन हु लिव्ड देयर, जो वहां रहता था, या द मैन हु लिव्ड इन सोनीपत, द मैन हु लिव्ड इन दिल्ली, द मैन हु लिव्ड इन शालीमार बाग डाइड यस्टरडे, तो मतलब मैन की हम, अगर सिर्फ मैन डाइड लिख दिया तो उसे क्या पता चलेगा भाई कौन सा मैन मर गया, नहीं पता। पर मैं कह रही हूं द मैन हु लिव्ड देयर, जो वहां रहता था ना, वो आदमी मरा है। तो यहाँ पे हु कंपल्सरी है उस मैन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसका रिस्ट्रिक्टिव यूज कर रही हूँ। दूसरा आपका होता है कॉन्टिन्यूटिव यूज, दूसरा आपका क्या है, कॉन्टिन्यूटिव यूज। कॉन्टिन्यूटिव यूज मतलब जहां वो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, लाइक मैंने लिखा आई बोट ए कार, आई बोट ए कार, मैंने एक कार खरीदी है विच इज वाइट, वो क्या है, वाइट है। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया ना, आई बोट ए कार, मैंने कार खरीद ली, अब मैं कार की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कि वो वाइट कलर की है, तो इसकी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे विच क्या है, कॉन्टिन्यूटी यूज है। फर्क क्या होता है, जब यूज रेस्ट्रिक्टिव होता है तो इसके साथ कोई कोमा नहीं लगता है, पर अगर इससे पहले कोमा नहीं लगेगा, द मैन के बाद हम कोमा लगा के हु नहीं लगाएंगे, पर अगर आप यूज कर रहे हो कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूशन में, मतलब उसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तब क्या लिखूंगी, आई बोट ए कार कोमा विच इज void, तो यहाँ पे है तो रिलेटिव ही, पर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटिव यूज में हम यूज करते हैं कोमा, और रिस्ट्रिक्टिव यूज में हम कोमा यूज नहीं मिलते करते हैं। जैसे मैंने लिखा एक कॉन्टिन्यूटिव यूज और देख लो, आई
मेट राम, मैं राम से मिली. हु मेट मी लास्ट ईयर, ये कह रहा है आई मेट राम, मैं राम से मिली. राम उसकी अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कि राम कौन है, हु मेट मी लास्ट ईयर, जो मुझे क्या है लास्ट ईयर मिला था. अब मैं ये लिख दूं द मैन हु मेट मी लास्ट ईयर इज CEO ऑफ ए कंपनी. अब मैं यहां क्या कर रही हूं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही हूं कि द मैन कौन सा मैन, हु मेट मी लास्ट ईयर, मतलब मैंने पहले उसको रेस्ट्रिक्ट किया कि कौन से आदमी की बात कर रही हूं जो मुझे लास्ट ईयर मिला था. उस वो क्या है, अब वो अब सीईओ ऑफ द कंपनी है. मैं कहूँ द मैन इज सीईओ ऑफ ए कंपनी, उस अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं द मैन इज ए सीईओ कंपनी, क्योंकि मेन सेंटेंस तो यही है ना द मैन इज सीईओ ऑफ ए कंपनी. अब मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया कि कौन सा मैन, हु मेट मी लास्ट ईयर, वो आदमी जो मुझे लास्ट ईयर मिला था आज वो सीईओ है एक कंपनी का. पर यहां मैंने क्या किया, आई मेट राम, मैं राम से मिली, हु मेट मी लास्ट ईयर, यही इसी को मैं इसी का मैं यूज कर सकती हूँ कैसे एडिशनली. मैं लिख दूं आई मेट राम, आई मेट राम. अब क्या लिखूंगी, हु इज सीईओ ऑफ ए कंपनी. अब मैं पहले क्योंकि मिल चुकी हूँ कि आई मेट राम, मैं राम से मिली हूँ, राम कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अब आगे दे रही हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, राम को डिफाइन कर दिया ना कि आई मेट राम, मैं राम से मिली हूँ, राम कौन है, राम वो है जो सीईओ ऑफ ए कंपनी है. द मैन, अब मैन क्या है, अब मैन की मुझे क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैन तो कॉमन हो गया, मैन तो कॉमन हो गया. यहाँ पे राम लिखने के बाद मैंने उसे कॉमन नहीं छोड़ा, उस मैंने कहा कि मैं राम से मिली हूँ, राम कौन है, वो सीईओ ऑफ कंपनी है. तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ कॉमा लगा के हु यूज़ करेंगे, इसे कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्टिन्यूटिव यूज़. क्या यूज़ किया है, कॉन्टिन्यूशन में यूज़ किया है. यहाँ मैंने क्या किया, द मैन एक आदमी इज द सीईओ ऑफ कंपनी. अब इससे तो कोई सेंस नहीं बनी कि एक आदमी सीईओ ऑफ द कंपनी है, अब मुझे इस मैन की इंफॉर्मेशन चाहिए. अब इसके लिए मुझे क्या, द मैन हु मेट मी लास्ट ईयर, जो मुझे लास्ट ईयर मिला था वो सीईओ है किसी कंपनी का. अब यहाँ पे द मैन के बाद कोमा लगाओगे तो वो आपका एरर हो जाएगा. अगर पंक्चुएशन का एरर किसी एग्जाम में आता है तो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब मैंने मैन को डिफाइन नहीं किया है तो मैन को मुझे रिस्ट्रिक्टिवली बताना पड़ेगा कौन से आदमी की बात करी हूँ मैं, उस आदमी की बात करी जो मुझे लास्ट ईयर मिला था वो सीईओ ऑफ ए कंपनी है. तो इस बात का क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम जब पहले इंट्रोड्यूस कर दें सब्जेक्ट को कि ये वो है, ठीक है, उसके बाद में उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि राम क्या है. अब मैन नहीं, अब आई मेट मैन, आई मेट दी मैन. अब मैन लिखने के बाद मुझे मैन की क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव रूल चाहिए, तब मैं उसको एडिशनली इन्फॉर्मेशन नहीं लिखूंगी. आई मेट दी मैन हु इज सीईओ ऑफ ए कंपनी, तो द मैन की जगह हमें क्या है उसका रिस्ट्रिक्टिव यूज करना पड़ेगा. पर मैंने लिखा आई मेट राम, अब राम क्या है, कॉमन नहीं है, राम क्या कॉमन नहीं है, राम किसी एक पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. अब उस पर्टिकुलर पर्सन की मैं क्या दे रही हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या हो गया यूज. अब डिटेल में अगली बार ही शुरू करेंगे किसको, हु को, हुम को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि कहाँ हु लगाऊं कहाँ हुम पर. अब उससे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ कि हु और हुम और हुज को फिर भी देखते हैं. हु हुम हमेशा क्या होते हैं, इसका एंटीसीडेंट, किन का एंटीसीडेंट, इनका एंटीसीडेंट हमेशा कौन होगा, कोई पर्सन होगा. क्या होगा, पर्सन होगा, मतलब आई नो ए मैन हु इज सीईओ ऑफ ए कंपनी. तो मैन क्या है, पर्सन है, मैन क्या है, पर्सन है, तो उसके साथ हमेशा एंटीसीडेंट ही लगेगा. आई मेट ए वुमेन हुम यू मेट लास्ट ईयर, मैं उस औरत से मिली थी जिससे तुम लास्ट ईयर मिले थे. तो हुम के को, हुम का एंटीसीडेंट भी हमेशा एक पर्सन होगा, हु का एंटीसीडेंट भी हमेशा एक क्या होगा, पर्सन होगा. विच और दैट, विच और दैट, किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग, इनका एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है. जैसे आई बोट
ए कार। अब हु नहीं लगाऊंगी साथ, क्या नहीं लगाऊंगी, हु इज वाइट, आई नो ए, आई बोट ए कार, हु इज वाइट, क्या लिखूंगी, विच इज वाइट या दैट इज वाइट। मतलब अगर आपका एंटीसीडेंट क्या है, कोई थिंग है, कोई प्लेस है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हमेशा मैं या विच यूज करूंगी या दैट यूज करूंगी। पर यही मैं अगर लिखूं, आई मेट राम, हु इज ए शेफ, हु इज ए शेफ। अब राम क्या है, हु से पहले जो एंटीसीडेंट आया वो क्या है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, इसलिए हमेशा हम हु और हुम का एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है, जो उससे पहले आ रहा है, जो उसको क्या है, उससे पहले आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट हमेशा हु हुम का क्या होगा, पर्सन होगा। विच और दैट का पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। वट जो है, वट से पहले एंटीसीडेंट ही नहीं होता है। तो पहले हम हु को कंप्लीट करेंगे, फिर हुम को कंप्लीट करेंगे, देन हम किस पे आएंगे, वट के ऊपर आएंगे। फिर वट सो एवर, हुम सो एवर, इनके क्या होते हैं, एंटीसीडेंट ही नहीं होते हैं। ये हम पहले क्यों पढ़ें, क्योंकि इनसे पहले हमें क्या मिलते हैं, एंटीसीडेंट मिलते हैं। ठीक है, तो हु को हम अगली क्लास में शुरू करेंगे कि कहाँ हु, क्योंकि बहुत बारीकी, तो एक मैं कह रही हूँ, एक अच्छे खासे हमें आधे घंटे की जरूरत है हु और हुम को समझने के लिए। क्यों, सेंटेंस में आप, आपके सामने जब मैं सेंटेंस लिखूंगी कि अब यहाँ हु लगाऊं या हुम लगाऊं, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है कि वो ये नहीं देख पाते हैं कि कहाँ हु लगाऊं मैं, कहाँ हुम लगाऊं। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी जो समय है, अब ये समय है अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का, क्योंकि भाग दौड़ का समय नहीं है, अभी अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर, अभी समय भी है, अभी क्या है, समय भी है, क्योंकि अभी आप एग्जाम्स बहुत जल्दी नहीं आ रहे हैं, एक्सेप्ट आपका सीजीएल का मेंस की डेट आई है। ठीक है, तो वो बच्चे आप जो प्री की तैयारी कर गए, उनको उनका लेवल थोड़ा सा ऐसे ही आगे बढ़ गए हैं, पर जो अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं या किसी हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी फ्रिक्वेंटली आने नहीं वाले हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद वो आएंगे या जब भी आएंगे, तो अभी आपका सही समय है अपने बेसिक्स को क्लियर करने का। एक बार जब बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो जब आप एरर देखते हैं, जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं, जब आप क्लोज देखते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये मेरे को तो दिख रहा है। पर अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तब आप क्या करते हैं कि आपको कहेगा कि दिखाई नहीं, जब उसका आंसर देखोगे कहोगे अरे ये तो मुझे दिखाई नहीं। तो अभी समय है अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने का, अपने बेसिक्स को क्लियर करने का, अच्छे से क्लियर करने का। तो अगली क्लास को हु और हुम, हुज और विच और दैट पे रखेंगे। सबसे पहले हम फर्क देखेंगे कि कहाँ मुझे हु यूज़ करना है, पर्टिकुलरली कहाँ हमें हुम यूज़ करना है। लास्ट सेक्शन है आपका प्रोनाउन का, इसके बाद आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि हु और हुम का आता ही आता है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं एरर निकालते वक्त कि जहाँ हु है उसको हटा के हुम कर देंगे, जहाँ हुम आ रहा है उसको हटा के हु कर देंगे। वही आपका एक ऑप्शन नो एरर का भी तो होता है, क्या पता उसने ठीक ही हु दिया है या ठीक ही होम दिया है। तो उस कंसेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। हु और होम समझ में आ गया, तो वट होम सो एवर, वट सो एवर तो कुछ भी नहीं है, हु और होम का ही सारा पंगा है। तो उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे अगली क्लास में, आपको विद एग्जाम्पल शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हु, हुज, होम कैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जैसे WH फैमिली में हम पढ़ते हुए आए हैं, वो क्या होती है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रही होती है। जब विदाउट क्वेश्चन मार्क हु हुम आ रहा है और वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है सेंटेंसेस को, तब वो क्या बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सुखी जीवन के लिए, आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और सबसे पहले आपका रिलेशन होना चाहिए अच्छा अपने आप से। तो खुश रहिए, अपने आप को खुद ही हंसाते रहिए, अपने आप को अपने लिए इम्पोर्टेंट बनिए। आप जब अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो फिर आपको अपनी इम्पोर्टेंस के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए, बेसिक्स क्लियर कीजिए, मस्ती कीजिए, खेलिए कूदिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दीजिए। मिलेंगे आप हमें अगली क्लास में, थोड़े से और कंसेप्ट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।